नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नवागत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने आज कलेक्ट्रेट में अपना कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। जनहित के विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध पूर्ण कराया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। जन समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध सुनिश्चित किया जाएगा। श्री सिंह 2010 बैच के अधिकारी हैं, जो मूलतः जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तथा कई महत्वपूर्ण पदों में कार्यरत रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर मुरादाबाद व गाजियाबाद में भी कार्य किया है। वर्तमान समय में जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर व उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के पद पर कार्यरत थे। के लिए प्रेरित करने के कोई स्लोगन्स वगैरह या इस तरह की चीजें होंगी। बाकी जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे वो नारे लेखन की हो, निबंध लेखन प्रतियोगिता हो या चित्रकला प्रतियोगिता हो। तो इन सब बहुत सारे तरीकों से, मतलब एक तरह से स्वीप कार्यक्रम जो है उसको औपचारिकता के रूप में नहीं रहेगा। उसमें कोशिश करेंगे कि एक जो है अच्छे ढंग से डिसेंट्रलाइज वे में उसको चलाया जाए। और ख़ास तौर से एक चीज़ और करेंगे, जो पिछले हमारे विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें जो हमारे सबसे लोएस्ट पोलिंग वाली जो एरियाज थी उसको अब नई वोटर लिस्ट आ गई है। तो पहले जिला स्तरीय अधिकारियों को लगा के एक बार उसको दिखवाएंगे कि वोटर लिस्ट में हमारे कोई खामी है या लोगों में उदासीनता रहती है। दूसरा ये है कि कभी कभी जो चरणबद्ध तरीके से इलेक्शंस होते हैं, तो पड़ोसी अगर पड़ोस में जनपद है और वहाँ पे अवकाश नहीं है और वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं कुछ हैं, तो जैसे मैं गाज़ियाबाद से हूँ, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल के आई कि दिल्ली में उस दिन चुनाव नहीं होते हैं। तो बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के ऑफिसेज में और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में चले जाते हैं, तो उसको लेकर के परसेंटेज लो रहता है। तो यहाँ पे भी हम उसको पहले फाइंड आउट करेंगे कि हाँ, हमारा बहुत ही लो परसेंटेज रहा है, उसका रीज़न क्या है। और रीज़न एक बार जानने के बाद फिर उस पर एक्सरसाइज करके उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर काम करेंगे। तो कुल मिला के इसमें हम सभी लोग जो है पूरी टीम काम करेगी और आप लोगों का सहयोग लेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार कानपुर में अच्छा पोल परसेंटेज रहेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कानपुर नगर से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट।